नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, और कोई भी एससी एसटी ओबीसी की बात होती है तो हर एक बात को बहुत अच्छे से समाज के सामने रखते हैं। एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जय भीम। जय भीम साहब। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, अभी कल का एक मामला था आपने जिसपे कोर्ट में जाके एसीपी का वारंट इशू करवा दिया, तो क्या था, एसीपी का वारंट कैसे इशू करवा दिया आपने, वो बताएं। देखिए, एक मामला था, डीएसएसबी ने 13 या 14 अक्टूबर को एक एग्जाम हुआ था, प्राइमरी टीचर्स एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि अगर पंडित की स्त्रीलिंग पंडिताइन है तो चमार की स्त्रीलिंग क्या होगी जी, जिसमें उन्होंने चार डेरोगेटरी ऑप्शन दिए हुए थे, चमारिन, चमयाटा, चमरायन और एक और था, ये चार उन्होंने दिए हुए थे, जो कि टोटली अपमानजनक, एक जो जो शेड्यूल कास्ट समाज की महिला है उनके खिलाफ अपमानजनक था, और जो बच्चे उस वक्त एग्जाम में बैठे थे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वो उस एग्जाम उस क्वेश्चन को पढ़ के वो बिल्कुल वो वहां से उनका जो कॉन्सेंट्रेट था वो डाइवर्ट हो गया और वो एग्जाम ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर हमें एक क्वेश्चन करने के लिए 40-50 सेकंड मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। तो इस क्वेश्चन के कारण कहीं ना कहीं जो डीएसएसबी की मंशा ये थी कि जो हमारे अभ्यर्थी जो उस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट करके इन लोगों को बाहर किया जाए, क्योंकि यह अपमानित पूरे समाज के लिए तो था ही था, लेकिन जो स्टूडेंट्स उसमें पेश हुए, जो कैंडिडेट उसमें हुए, उनके पूरे कैरियर पे प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिया, उनका पूरा कैरियर जो है वो इस क्वेश्चन की वजह से डाइवर्ट हुआ। तो इसके बाद में हमने जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो हमने कोर्ट में एक केस फाइल किया जी। तो जब हम कोर्ट में केस हमने फाइल किया तो कोर्ट में हमने पुलिस को दिया, एसीपी को दिया, डीसीपी को शिकायत दी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हमने एक शिकायत यहाँ पर स्पेशल जज श्री एस के मल्होत्रा साहब के पास फाइल की कि दोषी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद जब कल तारीख थी तो जो जज साहब है उन्होंने एसीपी को नोटिस करके लास्ट डेट पे अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था, लेकिन एससी एसटी एक्ट के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है नॉट लेस देन डीवाईएसपी और एसीपी दिल्ली के अंदर जिसे बोलते हैं, उससे कम का नहीं हो सकता जी। लेकिन एसीपी ने क्या काम किया, उन्होंने एक एएसआई को कोर्ट के सामने सिर्फ रिपोर्ट लेके भेज दिया जी। हमारा सबमिशन कोर्ट में यह था कि यह अनुसूचित जाति के एक वर्ग के भावनाओं का जो अपमान इन्होंने किया है, करोड़ों लोगों का अपमान किया है, इस मैटर को कैसे वो लाइटली ले सकते हैं। दूसरी बात, जब इस लॉ ये प्रेस्क्राइब करता है कि एसीपी को कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, तो क्या एसीपी के लिए करोड़ों लोगों की भावनाओं को अनदेखा करते हुए मात्र एक एएसआई को कोर्ट में भेज देना जी, कानून के हिसाब से भी गलत है, न्याय के हिसाब से भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है। तो जब हमने ये सबमिशन किया कि उसको आना चाहिए और फिर हमने ये कहा, तो जज साहब ने जब उनके खिलाफ बीडब्ल्यू इशू किए तो हमने बीडब्ल्यू के साथ साथ सेक्शन 4 की प्रोसीडिंग्स के लिए उन्हें शो कॉज नोटिस इशू करा दिया। सेक्शन 4 एससी एसटी पीओ एक्ट का वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत कोई भी दोषी कर्मचारी जो कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत अगर कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ उसके सजा का प्रावधान है, और अगर इसमें प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो कम से कम सजा जो है वो 6 महीने की होगी और मैक्सिमम जो सजा है 1 साल की होगी। तो इस कारण सेक्शन 4 के अंदर में उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया गया और उनके वारंट किए गए कि कैसे आप इस मामले को इतना हल्का लेके और आप यहाँ कोर्ट में पेश नहीं हुए। ओके, सत्यप्रकाश जी एक बात बताइए, एसीपी ने का मामला कहां से आ गया, जबकि तो सारा एजुकेशन का मामला है, तो इसमें एसीपी की कहां इन्वॉल्वमेंट है, वो बताएं। देखिए, ये जो मामला है कुछ लोग इसे एडमिनिस्ट्रेटिव नजर से देखते हैं, कुछ इसे सोशल नजर से देखते हैं, लेकिन मैंने इसे पैनल नजर से देखा। ये जो आपने सवाल किया कि एसीपी यहां से कहां इन्वॉल्व हो गए, जबकि ये तो पेपर हो रहे थे जिसमें स्टूडेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो लोगों की भर्ती करता है और दिल्ली गवर्नमेंट को वो स्थायी कर्मचारी नियुक्त करा देता है। सवाल यह है कि जब हम एस सी एस टी एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 3 पढ़ते हैं, तो डेरोगेटरी इंसल्टेड वर्ड्स टुवर्ड ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ एस सी एस टी पीओ एक्ट। जब वो कहते हैं क्या यह जो जब इन्होंने बात सवाल पूछा कि चमार समाज की महिलाओं को क्या कहा जाएगा, तो यह सवाल क्या यह किसी दूसरी जाति के लिए पूछ सकते हैं, क्या वैश्य समाज के लिए ये बात पूछ सकते हैं, या क्या दूसरी कम्युनिटी के लिए जिसमें महिलाओं का जो 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 नाम है या जो उनकी संज्ञा है वो अपमानित हो जाती है, उसके लिए पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते। तो जब यह ऑफेंस मेड आउट हुआ तो ऑफेंस मेड आउट होने के बाद में हमने जो दोषी कर्मचारी डीएसएसबी चेयरमैन और जितने भी पैनल में जितने भी लोग थे, इनके जो जो सिलेक्शन एग्जाम
क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ हमने ये मुकदमा डाला था, और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो DSSB है उन्होंने जो एग्जामिनेशन कमेटी थी उसे डिस्फंक कर दिया जी। लेकिन हमें डिस्फंक करने से हमें न्याय नहीं मिलेगा जी। आप पहले क्या आप नीरज जो विजय माल्या और नीरव मोदी अगर वो वापस आके भारत में सॉरी बोल दे तो क्या इससे ऑफेंस खत्म हो जाएगा? अगर कोई किसी को गोली मार दे और गोली मारने के बाद में सॉरी बोल दे तो क्या न्याय खत्म हो जाएगा उसका ऑफेंस? ऑफेंस जो है ओमिटेड नहीं हुआ है उनके सॉरी बोलने से या डिस्फंक करने से। अगर उन्होंने अगर DSSB किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को एग्जाम पेपर में जला के मार दे और उसके बाद ये कहे कि हमने उस व्यक्ति से या उसके परिवार से सॉरी बोल दिया है तो क्या ऑफेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस मामले के अंदर अगर सेक्शन 4 की प्रोसीडिंग्स और सेक्शन 3 की प्रोसीडिंग्स हुई तो इसमें सभी दोषी कर्मचारी को सजा होगी जी। आपसे सत्य प्रकार गौतम जी उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें देश का कोई नेता हो अभिनेता हो, चाहे कोर्ट के अंदर सबको उपस्थित होना पड़ेगा, और कोई भी समाज के ऊपर बात आएगी तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लूंगा। आप थे हमारे साथ सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।